ये है दिल्ली दर्पण। पूछ नहीं दिया फिर मैं क्यों करता इतना पंगा? अब मान रहे कोर्ट में जाऊँ लिखा हो जाऊ। हम सीढ़ी से यही मांगा जी, जो हमारा बनता है हमारे को दे दो। ना तो इनके बच्चों को कोई नौकरी दी गई, ये किराए के घर के अंदर रहते हैं, टीन सेट के अंदर रहते हैं, बरसात के अंदर पान चूता भी है। इनके पास किराया देने तक के पैसे नहीं है। कटोरा लेके मांगने वाली बात हो रही। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोबर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। आपको बता दें कि इस वक्त मौजूद हूं मैं सुल्तानपुरी पर एक ऐसे व्यक्ति के पास दिल्ली दर्पण टीवी आई है, जहां जिसने अपनी जिंदगी के 31 साल निगम को दिए हैं लेकिन आखिर में उसे हासिल कुछ नहीं हुआ। तो हमारे साथ मौजूद है सफाई कर्मचारी हवा सिंह जी, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके हालातों के बारे में। जी मैं 93 से जॉइनिंग कर दी मैंने जी, 1993 से तो चलता रहा। एक दो बार उड़ोर आए हैं, ये नन्ही कामयाब करा, कभी उसका नाम ले दिया, कभी उसका नाम ले दिया। फिर 2005 में 6 में फिर उड़ोर आए हैं, फिर न कहा भाई तेरी तो ट्रांसफर कर दिया द्वारका पूरी। 2 महीने 1 महीना हम रोटी द्वारका करी, 1 महीने के बाद फिर वापसी ले आई, फिर लिस्ट में गायब दे दिया, नाम काट दिया लिस्ट में से, फिर घर बैठा दिया। कभी डी सी साहब के पास गया एक साल तो मैं, कभी टाउन हॉल गया, कभी कहीं गया, फिर बड़े टाइम पर ड्यूटी बन जाएंगे भाई तुम बैठ जा आराम से। फिर मैं हाई कोर्ट में फंस गई मेरी 2007 में ही खत्म हुआ, आखिरी में जनवरी के महीने में 3 साल उसमें केस चला, फिर उन्होंने ड्रॉप कर दिया लेबर कोर्ट में, कैट में 9 साल में 2010 में 10वें महीने में मैं ड्यूटी जॉइनिंग करवा दी। फिर मैं जब से करते ही आ रहा हूँ, अब एकदम से रिटायरमेंट कर दिया, बस उम्र हो गई आधार कार्ड के हिसाब से और बाकी कोई काम नहीं करा। जो आज किस जोन में करते थे आप? किस जोन में करना चाहिए जोन में था, फिर लायका बदल गया, जोन तो बदली नहीं हुई, लायका ही बदल दिया पूरा उन्होंने। फिर मैं सोचा भाई चलिए यहीं करते हैं, लायका तो ही है, गवर्नमेंट तो एक ही है, इसीलिए मैं करता रहा वहाँ पे। जो मेरे को मालूम होता भाई नजबगढ़ जोन में जावा तो फिर जल्दी हो जाता। फिर मैं जोन में डी सी साहब के नोटिस भेजा ऐसे उसका कमिश्नर कहीं, फिर मैं बोला भाई लायका बदल गया, अब केस हम इधर करेंगे। फिर 1-2 साल उसमें तक खराब हो गया, नू लंबा टाइम किसा चलेगा, हम बस इतने काम हुए। कभी पक्का करने का आश्वासन दिया गया? दिया गया जी, कभी कह रहे कर्ट से देता, कभी कह रहे कोर्ट से बाहर भाग लो, ऑफिस में जाकर कोर्ट देते हैं कर्ट से, मगर जी कर्ट तो पहले लगे पड़ा हूँ 8-9 साल से, अब और कौन सा कर्ट बाहर हो गई, नौकर करके ले काम हो गया। कितनी तनख्वाह है आपकी? 12 सब पहले 12,500 मिलते थे, अब 13,104 पे, 13,104 पे मिलते बस, और कुछ नहीं। बीच में एक आधा एरियल लिया छोटा मोटा, अब 5-6 में एरियल भी रुके पड़े हैं, ना उनका देने का नाम ले रहे हैं, इनका बोनस भी खा गई, सब कुछ खा गई इनका, किसी ने दिया जी बस जी, इतने ही काम है अपना। अब मेरी पिलेक्शन बांध रही हूँ गवर्नमेंट, अब मैं सेव करता हूँ, मैं कुछ चंदा जो मेरा एरियल पर बनाया वो दे दें। अब मैंने 2006 से पक्का माना था, 2006 में 5-6 महीने में वो मेरा उसका जो सेव दे दो, मैं अपने घर बैठ जाऊँगा, बाकी तो आप नेता लोग जो करवाएंगे जैसे इनकी मेहरबानी है, बाकी कोर्ट भी जो करेगा कर लेगा फिर, और मैं कहीं जाता बस। आप किराए के ही घर पर रहते? किराए पे रहता हूँ जी, मकान कहाँ रहेगा, इतनी बड़ी प्रॉब्लम में घर आएगा, लड़की लड़की शादी करिए तो मांग मूँग के, बच्चों की शादी, बच्चे नमटाए पहले तो कब थोड़ी ना रखता अब तक, अब भी बच्चे कुआरे उठते अब या तो बता जाती फिर मैं कहाँ भरता, मानते हो चीज़ को? कोई रिटायरमेंट लेटर आपको दिया गया? कुछ नहीं दिया फिर मैं क्यों करता इतना पंगा, ना रिटायरमेंट लेटर दिया ना उन्होंने लिख के दिया। अब मान रहे कोर्ट में जाऊँगा लिखा हुआ जाओ लिपटन को आगे बख्तम क्या चलेगी, मैं मुझ बांधने क्या बताऊँ उनसे, मेरी मांग है मेरी पेंशन बांध दो, जो मेरा पैसा बनता दे दो, जो तनख्वाह बन रही है मेरी 2006 से 3 से जब से उठ रहा है, मान लो मेरे को 98 से मान लो, 2001 से मान लो, जब तक मानने का उनकी मर्जी है, जब तक तो ठीक चल रहा है तनख्वाह उनका दिया, फिर आगे देखी जाए 2 महीने बाद में वो रोजी रोटी क्या चलेगी, वो तो मेरे पास कोई काम ही नहीं है। अब इस काम से निमट गया कोर्ट कार्ड से, फिर कुछ देखो काम धंधा कोई मिल गया तो, पहले उस बीमारी में कोई काम तो मिलता ही नहीं, सब कंपनी बंद हो रही है, काम मिलेगा क्या, मैं सोच रहा हूँ यही बात, अब करके कंधे बैठ जाऊँ कहाँ भाई, तो मेरे सांस ही नहीं है अभी, कभी वहाँ भाग, पहले तो मैं न देखूँगा उसके बाद में सोचूँगा काम की। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में तो यहाँ तो हम एक लड़का रहता है, लड़के ही बूढ़े, दो लड़के बच्चे भी अब रहते हैं और 2 बच्चे हैं काम में रहते हैं बस। लड़की की शादी हो गई? सबकी शादी करती हूँ, लड़कियों की भी लड़कियों की, जो काम मना आप बरगे विधवा से
उससे ले मांग तांग के कर दी पटवार की पूर्ति। मैं चलो बच्चों को शादी वादी करना, ये घर पर बैठे हैं तो कहाँ से खोता फिर मैं। पहले कहाँ करते थे ड्यूटी? ये नजबगढ़ करते थे जी, और अब करते हैं नरेला जोन में, इसमें आगे नरेला में। कब से कर रहे? ये 93 से कर रहे जी, 93 के नौकर आए हैं। उसके बाद में फिर ये नजबगढ़ से यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया भाई, इस जोन में आ गए हैं। यहाँ आने के बाद में यहाँ जो हालत ख़राब हो रही है हमारी, हमें पता है 13,000 रुपये सैलरी मिलती है, क्या बच्चों को खिला देंगे और क्या हम अपना कर्जा दे देंगे। 5-5 बच्चे मेरे पास हैं जी, अब उनकी शादियाँ भी जैसे खरी हमें पता है। अभी ये है जी, जैसे भी चलेगा, बड़ी गरीब आदमी कहाँ से क्या करेगा। अब अपने बच्चों को भी तो पालेंगे, कहीं दिहाड़ी मिलेगी या मजदूरी मिलेगी, ना मिलेगी किस तरीके से हम पालेंगे। हमारे अंदर से दिल दुखता है। आप 13,000 में कैसे गुजारा करते थे? 13,000 में ये है जी, 3,000 किराए के देते थे, बाकी का अपना यह है कि दाल रोटी जैसे भी नमक के साथ खा लेते थे बच्चे। अब रोते थे बिस्कुट दो मेरे को, ये ला के दो, वह ला के दो, बाजे टाइम काली भी चाय भी देते थे जी अपने बच्चों को। अब जैसे होता है ऐसे गुजारा करना पड़ता, कहाँ जाए किसके पास जाए। बच्चे की भी दिहाड़ी मजदूरी लगती है तो लगती है, नहीं लगती है तो अपना बेचारा घर पर आ जाता है करके, क्या करे फिर, कहाँ जाए। अब कैसे गुजारा करेंगे? अब जैसे होएगा जी, वो तो मालिक के हाथ में है, अब करेगा बेचारा जैसे भी होएगा, दिहाड़ी मजदूरी करेगा तैसे भी करेगा। MCD वाले ने तो कर लिया जैसे करना था, ना ही कुछ देना ना लेना। अब कोर्ट में केस करा, कोर्ट बंद है तो कहाँ जाए क्या करे। आयोग वाले कहते हैं कोर्ट का केस है, वहाँ जाओगे तब पता चलेगा। कोई बात नहीं, जैसे होएगा गुजारा हो जाएगा, अब क्या कर सके, कहाँ जाए। अब वही है कि कटोरा लेके मांगने वाली बात हो रही। MCD से आपकी क्या मांग है? MCD से यही मांग है जी, जो हमारा बनता है हमारे को दे दो। तुम्हें लेटर दिया ना, इतने दिन से कच्ची तनख्वाह दे रहे, एरियल दे रहे ना, बोनस दे रहे ना, जो हमारा बनता है जी, हम तो हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करते हैं, जो हमारा हिसाब बनता है तो हमारे को क्लियर कर दो। अपने बच्चों को तो थोड़ा रोटी दे देंगे ना हम। देखिए, हमें YouTube चैनल के माध्यम से पता लगा था, हवा सिंह जी लगभग 31 साल से MCD के अंदर जॉब कर रहे हैं, और पता लगा कि इन्हें रिटायर भी कर दिया गया, घर भी बिठा दिया गया। इन्हें 13,500 रुपये सैलरी मिलती थी, उस 13,500 रुपये में इनका घर चलाएगा कैसे? आज ये बुजुर्ग हो गए, इन्हें कहीं नौकरी मिलने वाली नहीं है, ना तो इनके बच्चों को कोई नौकरी दी गई। ये किराए के घर के अंदर रहते हैं, टीन सेट के अंदर रहते हैं, बरसात के अंदर पड़ोसियों ने बताया कि ये मकान चूता भी है। अब इनके पास किराया देने तक के पैसे नहीं है, MCD ने इन्हें घर से बेघर कर दिया। वैसे एक तरफा MCD कहती है कि हम कर्मचारियों को पक्का करेंगे, पर इन्होंने 31 साल MCD को अपना पूरा जीवन दे दिया। जीवन देने के बाद MCD ने आज इन्हें 10 रुपये भी नहीं दिए। आज इनकी तबीयत भी खराब है, इन्हें इतना तक नहीं पता कि इन्हें रिटायरमेंट तो कर दिया, माला बना के भेज दिया, आज इनके हाथ में कोई लेटर तक नहीं है, तो इनकी पेंशन तक नहीं है। अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता ये बीमार हो जाते हैं तो इलाज कराने तक के लिए इनके पास पैसा नहीं है। और मैं आने वाले 5 तारीख के अंदर मेरी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग होगी, मैं उस स्टैंडिंग कमेटी के अंदर हवा सिंह जी के लिए आवाज़ उठाऊंगा। और मैं तो इतना कहना चाहूँगा, MCD में जितने भी ऐसे कर्मचारी हैं, अगर मुझे कहीं ना कहीं पता लगता है तो मैं उनके लिए उनका बेटा बनके, उनका भाई बनके आवाज़ जरूर उठाऊंगा। मैं आम आदमी पार्टी का पार्षद हूँ और मैं इसलिए इनके पास आया हूँ कि मैं इन्हें इंसाफ दिला सकूँ। इसके लिए आपने क्या सोचा है, आप कैसे इसके लिए आवाज़ उठाएंगे लोग? देखिए, स्टैंडिंग कमेटी में कोई भी कार्य होता है वो स्टैंडिंग कमेटी के माध्यम से होता है। मेरी 5 तारीख की सोमवार की स्टैंडिंग कमेटी है तो मैं उसके अंदर यही आवाज़ उठाऊंगा। उसमें कमिश्नर भी बैठे होते हैं, सारे बड़े बड़े स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बैठे होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी भी बैठे होते हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, आज आपने एक वाल्मीकि समाज के छोटे तबके को इतना बड़ा परेशान कर दिया। वैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री एक तरफा पैर धो के पीते हैं और यहाँ पर हमारे कर्मचारी भूखे मरने पर मजबूर हुए पड़े हैं, उनके घर में खाने को नहीं है, उनकी कंडीशन ख़राब है। मैंने अड़ोस पड़ोस के लोगों से भी पूछा, आप भी पूछिएगा, ये इतने सज्जन इंसान है। मैं इनके बारे में जानकारी करके आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई ये इतने मेहनत करते थे। ये इंसान है जो गली की नालियां साफ करते थे, लैट्रिन साफ करते थे, कोरोना काल के अंदर जो लोग घर से नहीं निकलते थे ये लोग अपनी ड्यूटी पूरी करके उस सफाई करते थे। मान लीजिए अगर 10-15 दिन हड़ताल हो जाती है तो दिल्ली कूड़ा कूड़ा होती है, ये लोग अपनी जान की परवाह ना करते हुए उस सफाई का कार्य पूरा करते हैं। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि MCD के अंदर BJP की सरकार है, आप लोग इन्हें पक्का कीजिए, और पक्का नहीं कर सकते तो इनका जो फंड का पैसा है, PF का है, EF का है, पेंशन का पैसा, कुछ तो इन्हें दीजिए कि इनके परिवार के लिए इनका घर बार चल सके। इनके घर घर के अंदर और भी बहुत बड़ा परिवार है, किराए के मकान में रहते कैसे पालन पोषण करेंगे अपना। जो हवा सिंह जी के साथ हुआ है, हाँ। बिना पक्का किए कच्चा रिटायरमेंट कर दिया, हाँ। गया, क्या ये सही है? ये बहुत गलत होया, बहुत ही गलत होया। उसके सारी उम्र उसने उसमें काट दी, अरब उसको घर बैठा दिया तो उसके बालक बच्चे क्या रोटी खाएंगे। आगे प्राइवेट काम भी नहीं मिलने का, अब बताओ सदमे में बेचारा कल से बाहर भी नहीं निकला,
बताओ क्या करा जाए। इतना शरीफ बंदा, कभी किसी से लड़ाई ना झगड़ा ना बेचारा, कभी छुट्टी नहीं करता, बारिश में आंधी में तूफान में सारी ड्यूटी करता है, और साइकिल पर ड्यूटी चलता बेचारा, और अभी वो 3 दिन से घर बिठा रखा है तो इसके जी पर क्या बीतरी है, और बेचारा सदमे में और बीमार हो गया। कम से कम इसके बीवी बच्चों को दाल रोटी चटनी रोटी तो चलनी चाहिए, कुछ तो मिलना चाहिए इनको, बेटे को दी जाए, अगर उससे काम तो खूब अच्छा ही कर रहा था वो अब तक ड्यूटी, अभी 40-40, 30-30 साल कच्चों में कर देते हैं तो फिर उम्र हो जाती तो उनको लिकाड़ बार कर देते हैं, बताओ क्या खाए फिर। मैं MCD में नौकरी करती हूँ, ये बेचारा हमारे यहाँ बहुत दिन से रह रहा, कोई इसमें किसी बात की शिकायत नहीं है, कोई लड़ाई की या कोई दंगे की या बेचारा भूख प्यास ऊपर ही रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अब इसके भी बच्चे क्या खाएंगे, घर के हालात जी है, जब कमाई नहीं होगी तो घर के हालात तो ऐसे ही चलेंगे भी, क्या बच्चे खाएंगे, क्या खुद के हम खाएंगे। अब जैसा था वो अपना कर तो रहा था, 12-13 हज़ार तो मिल रहे थे उनको, अब घर पे बैठा दिया, ना ही कुछ लिखत में दिया, ना ही कोई लेटर दिया, तो ऐसे अपना चुपचाप लेके आ गए। कोर्ट नहीं गए आप? कोर्ट नहीं गए, कोर्ट की पैसियाँ कहाँ लग रही हैं, कोर्ट तो बंद है, 1.5 साल से कोर्ट में लगी नहीं रही तारीखा, तो क्या करें ये बताओ, क्या खाएंगे। आयोग की तारीख आती है उनकी, एक जना जाता है, दूसरा जाता नहीं, तीसरा जाता नहीं, 4 जनों की तारीख लगती है तो वो लोग छुप जाते हैं, अब उनमें जो इंस्पेक्टर बना रखा है वो जाता है कोर्ट में, आयोग में, तो ये हम लोग क्या कर सकते जी, उन लोगों के हाथ में है जो भी है वही करेंगे ना। तो ये थे हमारे साथ हवा सिंह जी, जिन्होंने 31 साल अपनी ज़िंदगी MCD में दे दी और इन्हें हासिल कुछ नहीं हुआ, MCD ने इनको कुछ भी नहीं दिया। आप देख सकते हैं कि इनके हालात कैसे हैं, अभी इस वक्त बारिश हो रही है और टीन से पानी चूरा है, पूरा पानी घर पर भर रहा है, आप देख सकते हैं। और आपको दिखा दूँ कि ये छोटा सा कमरा है, किराए का घर है, आपको बता दें, कैमरामैन सोनू आप हमारे साथ इधर आइए, आप देख सकते हैं कि ये छोटा सा कमरा है जिस पर ये लोग गुजारा कर रहे हैं। आखिर सवाल ये उठता है अब कि MCD इन पर क्या विचार करेगी, क्या सच में इन्हें ऐसे ही कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, या MCD इस पर कुछ विचार करके कुछ डिसीजन भी लेगी। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए दिल्ली दर्पण TV। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।